अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, यदि आप कुवैत में रहते हो तो बहुत ही बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि कुवैत में यदि ये खबर को आप नहीं सुनते हो, नहीं जानते हो, तो आप कुवैत से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। भाइयों, जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कि जो भी कुवैत में लोग रहते हैं, यदि ट्रैफिक वॉयलेशन किसी तरह आपने किया हो तो आपको ट्रैफिक वॉयलेशन आपको पेमेंट किए बिना कुवैत नहीं छोड़ सकते हो। पर दोस्तों, अब तीन कंपनियों के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि ये तीनों फाइन वगैरह या तीनों बाकी बकाया को भी भरना पड़ेगा, नहीं तो आप कुवैत छोड़ के नहीं जा सकते हो। खबर क्या पूरी जान लेते हैं। ड्यूज द डेट एक्सपर्ट मस्ट सेटल बिफोर ट्रैवलिंग एब्रॉड। यानी दोस्तों, यदि ट्रैफिक वॉयलेशन आप पे किसी तरह का लगा हुआ है तो आपको पेमेंट करके ही जाना पड़ेगा। अब पेमेंट दोस्तों मेथड क्या क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ऑफिशियल जो वेबसाइट है दिया हुआ है www.my.gov.kw, इसमें जाके पेमेंट कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है MOI काउंटर एट कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी MOI का एक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक काउंटर बनाया गया है, तो उस काउंटर पे जाके अपने ट्रैफिक वॉयलेशन का पेमेंट कर सकते हो। ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका है एनी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफिस रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट। यानी दोस्तों, कोई भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ऑफिस हो जो कि गवर्नमेंटल होना चाहिए, वहां पे भी जाके अपना ट्रैफिक वॉयलेशन का जो भी बाकी बकाया आपका है, जुर्माना है, वो आपको वहां पे पेमेंट करके आप जा सकते हो। तो ये तीन तरीका हो गया ट्रैफिक वॉयलेशन का। अब दोस्तों, टेली कम्युनिकेशन ड्यूज, यानी यदि फ़ोन वगैरह, वाईफाई वगैरह का बाकी, तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, उसके लिए भी तीन तरीका बताया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पेंडिंग टेलीफोन बिल और एनी ड्यूज पेमेंट, तो तीन तरीका इसका है। तो मिनिस्ट्री का वेबसाइट दिया है moc.gov.kw/english/, तो जो भी आप देना चाहते हो वहाँ पे जाकर पेमेंट कर सकते हो विजिट करके। दूसरा तरीका है विजिटिंग द मिनिस्ट्री ऑफिस, यानी मिनिस्ट्री ऑफिस जाके विजिट करके। और तीसरा तरीका बताया गया साहिल एप्लीकेशन के जरिए, साहिल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे दोस्तों अपने सारी डिटेल देके अपना फाइन को वहाँ से भी भर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हो गई दोस्तों, टेली कम्युनिकेशन का बकाया और हो गया ट्रैफिक वॉयलेशन का बकाया। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, यानी बिजली का और पानी का भी बाकी है, उसके लिए भी तीन तरीका बताया गया आपको पेमेंट करने के लिए। तो पहला है साहिल एप्लीकेशन के जरिए दोस्तों अपना पेमेंट को कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो साहिल एप्लीकेशन में भी आपको ऑप्शन ये मिल जाएगा। दूसरा है MEW पे एप्लीकेशन, ये भी दोस्तों एक तरह का एप्लीकेशन है MEW, ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, इसके जरिए भी दोस्तों अपना पेमेंट वगैरह को आप कर सकते हो। और तीसरा तरीका है कस्टमर सर्विस डेस्क एट द कुवैत एयरपोर्ट टर्मिनल। यानी दोस्तों, एक तरह का एक ऑफिस बनाया, यानी एक काउंटर बनाया गया है कुवैत एयरपोर्ट पे T4 टर्मिनल में, वहाँ पे भी जाके दोस्तों अपना पेमेंट को आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल का बाकी बकाया को आप भर सकते हो। तो ये तीन पेमेंट करने के बजाय दोस्तों आपके पास कोई रास्ता नहीं है, यदि इन तीनों चीज़ों में किसी का भी पैसा आपका बाकी है, चाहे वो जुर्माने के तौर पे हो, बकाया के तौर पे हो, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आप कुवैत छोड़ के आप अपने मुल्क जा सकते हो, नहीं तो आपकी फ़्लाइट की टिकट ही नहीं दी जाएगी और आपको वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट्स थी, जानकारी थी, जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद एंड टेक केयर।